Hi everyone, I'm Archita and welcome to my YouTube channel. तो इस वीडियो में let's discuss कि in case अगर आप 6 से 7 दिन की मलेशिया की ट्रिप प्लान कर रहे हो तो एक परफेक्ट आइटनरी क्या होना चाहिए और एक रियलिस्टिक बजट क्या होना चाहिए. पर इससे पहले ना मैंने मलेशिया के हर जगह के इंडिविजुअल वीडियोस भी बनाए हैं. इनकेस अगर आपने वो चेक नहीं किए तो उनका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. एंड इनकेस इफ यू आर वॉचिंग दिस चैनल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब ऑल्सो. एंड नाउ विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड. किसी भी मेजर एयरपोर्ट से आप ओवरनाइट फ्लाइट ले सकते हो मलेशिया की, जो आपको वहाँ पे सुबह अर्ली मॉर्निंग 6-7 o'clock अराउंड पहुँचा देगी. एंड बाय द टाइम आप इमिग्रेशन वगैरह क्लियर करोगे एंड यू विल रीच योर होटल बाय समवेयर अराउंड 9 to 10 AM. बट वहाँ पे मोस्ट ऑफ द होटल्स का जो चेक इन टाइम है इज़ अराउंड 3 PM. तो आप वहाँ पे अपना होटल में लगेज ड्रॉप करके अपने डे वन की शुरुआत कर सकते हैं बाय विजिटिंग द एक्वेरिया KLCC. ये एक अंडरग्राउंड एक्वेरियम है और इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्वेरियम्स इन द इंटायर वर्ल्ड. यहाँ पर एक अंडर वाटर टनल भी है जिसमें जाके आप 5000 से ज़्यादा मरीन एनिमल्स को देख सकते हो. यहाँ पे यू कैन सी शार्क्स, टर्टल्स, मैंटा रेज, स्टिंग रेज एंड अ लॉट ऑफ अदर डिफरेंट फिश. एंड इन केस अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उनका तो दिन बन जाएगा. तो इस एक्वेरिया KLCC में 2-3 घंटे टाइम स्पेंड करने के बाद आप वापस से अपने होटल आ सकते हो. चेक इन करने के बाद एंड थोड़ा सा फ्रेशन अप होने के बाद आप चले जाओ अपने दिन की दूसरी डेस्टिनेशन पर, विच इज़ द KL टावर्स एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मीनारा क्वालालंपुर. ये एक टेली कम्युनिकेशन टावर है जिसकी हाइट है अबाउट 420 meters. और इस टावर से जो सिटी व्यू है उसको इंजॉय करने के दो तरीके हैं. सबसे पहला, या तो आप ऑब्जर्वेटरी डेक चले जाओ. सो बेसिकली इट्स अ क्लोज कंपार्टमेंट जहाँ पे बहुत सारे बायनोक्यूलर्स लगे हुए हैं एंड उनसे आप जो एरियल व्यू है सिटी का वो इंजॉय करते हो. नहीं तो दूसरा है स्काई बॉक्स एंड स्काई डेक. सो स्काई डेक इज बेसिकली एक खुला कंपार्टमेंट जहाँ पे ऊपर आप जाते हो और पूरा 360 degree पैनोरामिक व्यू सिटी का इंजॉय करते हो. उसी के साथ एक स्काई बॉक्स भी है, एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें ग्लास फ्लोरिंग है. तो वहाँ पे आपको जाने देते हैं बट जस्ट फॉर 40 seconds. यू कैन क्लिक योर फोटोज, यू कैन टेक सम वीडियोज, यू कैन एंजॉय पेट्रोना ट्विन टावर्स एंड देन यू कैन कम बैक टू स्काई डेक. स्काई डेक पे कोई लिमिट नहीं है, यू कैन स्पेंड एज मच टाइम एज यू वॉन्ट टू ओवर देयर. KL टावर देखने के बाद आप चले जाओ वहाँ के काफ़ी पॉपुलर नेबरहुड विच इज़ लिटिल इंडिया, विच इज़ आइडियली इंडिया अवे फ्रॉम इंडिया. एंड जैसे ही आप लिटिल इंडिया जाओगे आपको लगेगा कि आप इंडिया में साउथ की किसी सिटी जैसे कि हैदराबाद, बैंगलोर आ गए हो. इतना कलरफुल आर्किटेक्चर है वहाँ का एंड वहाँ पे एवरीथिंग इज इंडियन. इंडियन साड़ीज, ज्वेलरीज, इंडियन फूड, आपको सब कुछ मिलेगा. तो जब भी आपको इंडियन खाने की क्रेविंग हो आप बिल्कुल वहाँ पर आ सकते हो. और रात में दिस स्ट्रीट इज सो ब्यूटिफुली लिट अप. तो वहां पे टाइम स्पेंड करने के बाद आप चले जाओ अपनी चौथी अट्रैक्शन विच इज द KLCC पार्क. सो जो KLCC पार्क है वो पेट्रोनास ट्विन टावर्स के बेस पे ही बना हुआ है एंड ये वही जगह है जहाँ से इन ट्विन टावर्स का सबसे ज़्यादा खूबसूरत व्यू आता है. और इस पार्क में हर दिन रात को 8, 9 और 10 बजे फाउंटेन शो होता है विच इज़ द लाइट एंड साउंड शो. वो तो आप डेफिनेटली चेकआउट करिएगा. एंड इसी पार्क में ना एक मॉल भी बना हुआ है विच इज़ सूर्या KLCC जहाँ पे सारे लग्जूरियस ब्रांड्स वगैरह है. तो आप इस मॉल को भी चेकआउट कर सकते हैं. एंड यू कैन ऑल्सो गो टू पेट्रोनास ट्विन टावर्स. इसमें 86th floor पे ऑब्जर्वेटरी डेक है. हम वहाँ नहीं गए थे पर आप वो भी चेकआउट कर सकते हो. एंड देन वापस से अपने होटल आके यू कैन जस्ट कॉल इट अ डे. सो फॉर day 2 आप मलेशिया की दूसरी सिटी विच इज़ लंकावी वहाँ जाओगे. एंड क्वालालंपुर से लंकावी के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं जो 1 घंटे में आपको वहाँ पहुँचा देगी. तो अपने होटल में चेक इन करने के बाद आप सबसे पहले चले जाओ दातार लांग विच इज़ ऑल्सो नोन एज द ईगल स्क्वेयर. यहाँ पे ईगल का एक काफ़ी बड़ा स्कल्पचर है और इस स्कल्पचर के आसपास यू कैन एन्जॉय एंडमन सी एंड फॉरेस्ट एंड माउंटेन का व्यू ऑल्सो एट द सेम टाइम.
टाइम। काफ़ी खूबसूरत सी जगह है जहाँ पे आराम से डेढ़ दो घंटा टाइम स्पेंड करने के बाद आप चले जाओ ड्रीम फॉरेस्ट लंकावी। सो दिस ड्रीम फॉरेस्ट इन लंकावी इज़ अ वेरी रीसेंट ओपनिंग। सो बेसिकली ये एक इको पार्क है जिसमें एक से डेढ़ किलोमीटर का ट्रेल है फॉरेस्ट के अंदर, और रास्ते में इन्होंने फॉरेस्ट को बहुत अच्छी तरीके से लाइट्स के साथ डेकोरेट किया है। और जब आप इस ट्रेल पे चलोगे सो यू कैन ऑल्सो हियर द स्टोरीज ऑफ द लेजेंड्स ऑफ लंकावी। और ये जो पूरा ट्रेल है इट विल टेक अबाउट 1-1.5 आवर्स। तो यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद यू कैन देन गो बैक टू योर होटल एंड कॉल। सो फॉर डे 3 आप सबसे पहले चल जाओ महा टावर। ये भी एक रीसेंट ओपनिंग है लंकावी में, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको आइफल टावर की शेप जैसा बनाया गया है। यहाँ पे ऊपर भी एक ऑब्जर्वेटरी डेक है, वहाँ पे जाके यू कैन अगेन एंजॉय द ब्यूटिफुल व्यूज ऑफ द सिटी ऑफ लंकावी। एंड वहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद आप चले जाओ लंकावी की सबसे पॉपुलर अट्रैक्शन विच इज़ द स्काई ब्रिज एंड द ईगल्स नेस्ट। तो ये स्काई ब्रिज वही जगह है जहाँ पे डॉन मूवी की भी शूटिंग हुई थी। इन दोनों ही जगह को एक्सेस करने के लिए हर दिन केबल कार ऑपरेट होती है विच विल टेक यू टू द हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ लंकावी। और वहाँ पे जाके आप स्काई ब्रिज पे भी वॉक कर सकते हो, और ऑनेस्टली ये सस्पेंशन ब्रिज जैसा लगता है। जब काफ़ी सारे लोग एक साथ इस ब्रिज पे आते तो ये हिलता भी है। एंड यू कैन ऑल्सो गो टू द ईगल्स नेस्ट। यहाँ पे अगेन जितनी भी फ्लोरिंग है वो सब ग्लास बॉटम्स की है, तो वहाँ पे आराम से टाइम स्पेंड करके यू कैन एंजॉय द ब्यूटिफुल व्यूज ऑफ द एंडमन सी एंड द आइलैंड्स एंड द माउंटेन्स अराउंड। और केबल कार के बेस पे आके यू कैन ऑल्सो एंजॉय द 3D आर्ट म्यूजियम ऑफ लंकावी। एंड इन फैक्ट ये जो 3D आर्ट म्यूजियम है इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूजियम्स इन द एंटायर वर्ल्ड। इस सारी अट्रैक्शंस को देखने में आपको कम से कम 3.5 से 4 घंटे लगेंगे। एंड देन आप शाम को चल जाओ यहाँ के सबसे पॉपुलर और सबसे टूरिस्टी बीच विच इज़ दी चेनाग बीच। और यहाँ पे शाम को 7-8 o'clock के अराउंड फायरवर्क शो भी होता है, तो वो इंजॉय करके यू कैन कम बैक टू योर होटल एंड कॉल इट अ डे। सो फॉर डे 4 हम लोग लंकावी से वापस से क्वालालंपुर आ गए थे, बट इन केस आप चाहो तो आप लंकावी में एक दिन और स्पेंड करके वहाँ पे 2 फेमस एक्टिविटीज़ होती है। सबसे पहली है आइलैंड हॉपिंग, जिसमें दे टेक यू टू 3 डिफरेंट आइलैंड्स एंड वहाँ पे जाके यू कैन डू कायाकिंग एंड ऑल दी अदर एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू वाटर। और दूसरी एक्टिविटी होती है मैंग्रोव फॉरेस्ट में राइड, जिसमें मैंग्रोव फॉरेस्ट के साथ साथ ईगल फीडिंग एंड दे ऑल्सो टेक यू टू दी बैट केव्स। तो ये दोनों सेपरेट एक्टिविटीज़ है और इनको करने में आधा दिन लगता है, तो आप इनमें से कोई सी भी एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं। हमने ये नहीं की थी एंड वी इंस्टेड केम बैक टू क्वालालंपुर। तो फॉर डे 4 आफ्टर रीचिंग क्वालालंपुर हमने एक्सप्लोर किया चाइना टाउन नेबरहुड, और हम सबसे पहले चले गए सेंट्रल मार्केट। सो बेसिकली इट्स एन एयर कंडीशन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जिसके बेस पे तो बहुत सारे फूड कोर्ट्स हैं और ऊपर पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रखा है। तो वो देखने के बाद हम चले गए दूसरी स्ट्रीट विच इज़ द पेटालिंग स्ट्रीट। सो बेसिकली यहाँ पे जितने भी एक्सेसरीज होती है, चाहे फिर शूज़ हो, बैग्स हो, बेल्ट्स हो, सबके ड्यूप्स मिलते हैं। और ये जो स्ट्रीट है वो कंपैरेटिवली थोड़ी सस्ती है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द सेंट्रल मार्केट। तो इन दोनों स्ट्रीट्स को एक्सप्लोर करने के बाद हम चले गए चाइना टाउन की सबसे फेमस कस्तूरी वॉक। ये एक फूड स्ट्रीट है जहाँ पे आपको छोटी छोटी ईटरीज मिलेगी, तो वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। इन केस अगर आप नॉन वेज ईटर हो तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ ऑप्शंस ओवर हियर, बट वेजिटेरियंस के लिए ऑप्शंस थोड़े से लिमिटेड है। फ्रूट्स और फ्रूट जूसेस यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। चाइना टाउन को एक्सप्लोर करने के बाद आप चले जाओ रिवर ऑफ लाइफ। ये एक वाटर फ्रंट है एंड इन फैक्ट इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द टॉप 10 वाटर फ्रंट्स इन द इंटायर वर्ल्ड। ये जो वाटर फ्रंट है ये बिल्कुल मलेशिया की सबसे पुरानी मॉस्क जामिद समाक मॉस्क के पास बना हुआ है, एंड स्पेशली रात में दिस प्लेस इज ब्यूटिफुली लिट अप विद ब्लू लाइट्स। और यहाँ पे रात में लाइट एंड साउंड शो भी होता है, फाउंटेन शो होता है।
द रिवर ऑफ लाइफ के बाद आप चल जाओ टू अनदर नेबरहुड विच इज नोन एज द बुकिट बिंतांग. इन फैक्ट इस एरिया को एशिया का टाइम स्क्वायर कहा जाता है एंड स्पेशली रात में दिस प्लेस इज सो लाइवली. एंड इसी जगह पे सिचुएटेड है क्वालालंपुर का सबसे बड़ा मॉल विच इज द पलेडियम मॉल. तो वो भी एक्सप्लोर करने के बाद यू कैन कम बैक टू योर होटल एंड कॉल इट अ डे. So for day 5, you will be doing a day trip to Batu Caves and Genting Highlands. तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अपना दिन थोड़ा जल्दी स्टार्ट करके एंड सबसे पहले आप बाटू केव्स चले जाओ. इट टेक्स अबाउट 30 मिनट्स टू रीच बाटू केव्स फ्रॉम द सिटी सेंटर. और यहाँ पे आने के बाद यू विल फाइंड अ गोल्ड प्लेटेड स्टैचू ऑफ लॉर्ड कार्तिकेय. उसके अलावा यू विल हैव टू क्लाइंब अ टोटल ऑफ अबाउट 280 कलरफुल स्टेयर्स टू रीच द 3 मेजर केव्स देयर. और इन केव्स में अंदर और भी हिंदू श्राइन्स एंड हिंदू टेम्पल्स हैं. और ये पूरी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा. मैं जब वहाँ पे पहुँची थी तब ऑलरेडी 10 बज गए थे एंड 10 बजे ही वो जगह सुपर क्राउडेड हो गई थी. तो जितना जल्दी आप वहाँ पे जाओगे द बेटर. एंड यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद आप चले जाओ गेंटिंग हाइलैंड्स. सो इट टेक्स अबाउट 40 to 50 मिनट्स फ्रॉम बाटू केव्स टू रीच द गेंटिंग हाइलैंड्स. तो गेंटिंग हाइलैंड्स पहुँचने के बाद ऊपर हिल पे टॉप पे जाने के लिए 2 तरीके हैं. या तो आप कैब या गाड़ी के थ्रू भी ऊपर जा सकते हो. दूसरा जो हमने किया था वो है केबल कार. एक कंपनी है अवाना स्काई कैब्स, उनकी केबल कार ऑपरेट होती है हर दिन जो आपको गेंटिंग हाइलैंड्स के बेस से ऊपर हिल पे टॉप तक लेके जाती है. ऊपर हिल पे जाते समय बीच में एक स्टॉप आता है चाइनीज टेम्पल का विच इज कॉल्ड एज द चिन शुई टेम्पल. एंड इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि अगर आप वहाँ पे उतरना चाहते हो कि नहीं. पर मैं सजेस्ट करूँगी कि आप वहाँ पे उतर के उस टेम्पल को तो डेफिनेटली एक्सप्लोर करें. दिस वो जो टेम्पल है वो जितना सुंदर है उससे ज़्यादा सुंदर वो लोकेशन है. कम्प्लीटली सराउंडेड बाय लश ग्रीनरी एंड मेडोज. उस टेम्पल को तो डेफिनेटली एक्सप्लोर करें एंड देन आप वहाँ से वापस से केबल कार पकड़ के आप ऊपर हिल पर जा सकते हो. एंड ऊपर हिल पे आने के बाद यू विल रीच द गेंटिंग हाइलैंड्स, ऑल्सो नोन एज अ सिटी ऑफ एंटरटेनमेंट. बिकॉज यहाँ पे आने के बाद आपके 6-7 घंटे कब स्पेंड हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा. यहाँ पे एक इंडोर और आउटडोर थीम पार्क है विच इज़ लाइक द अम्यूजमेंट पार्क. दिस प्लेस ऑल्सो हैज रिप्लीज का बिलीव इट और नॉट म्यूजियम, अ लॉट ऑफ 5-star कैसिनोज एंड यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड होटल भी है विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट होटल्स इन द एंटायर वर्ल्ड. और इस होटल में 7,000 से ज़्यादा रूम्स भी हैं. तो यहाँ पे आराम से टाइम स्पेंड करने के बाद एट अराउंड 8-9 o'clock आप वापस से क्वालालंपुर आ जाओ एंड होटल में जाके यू कैन कॉल इट अ डे. तो इस पूरे दिन के लिए मैंने एक कैब बुक कर ली थी. पर मुझे बाटू केव्स जाने के बाद पता चला कि वहाँ पे भी आपको बहुत सारी कैब्स मिल जाएंगी जो आपको गेंटिंग हाइलैंड्स लेके चल जाएंगी. एंड गेंटिंग हाइलैंड्स से भी वापस से सिटी सेंटर आने के लिए देर आर लॉट ऑफ कैब ऑप्शंस एज वेल एज बस ऑप्शंस ऑल्सो. तो आप वो अवेल कर सकते हो और आपको पूरे दिन भर की कैब लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. So for day 6, you will be doing another day trip to another beautiful city called as Malacca. और ये जो जगह है ये UNESCO World Cities में से एक है. And मैं Malacca बस में गई थी and it takes about 2-2.5 hours to reach Malacca. And वहाँ पर पहुँच के मैं सबसे पहले गई तामिंग सारी रिवॉल्विंग टावर पर. तो बेसिकली इसमें जो ऑब्जर्वेटोरी डेक है वो घूमते घूमते नीचे आती है, आप उसमें बैठते हो एंड इट टेक्स अबाउट 7 minutes to reach at the top or you can enjoy the beautiful panoramic view of the city of Malacca. तो तामिंग सारी देखने के बाद हम चले गए Malacca की सबसे popular attraction which is the Dutch Square, जिसको Red Square भी कहा जाता है. तो ये Dutch people ने बनाई थी during their colonial rule and इसको Red Square इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जितनी भी buildings हैं उन सबको red color में paint किया गया है. तो यहाँ पे सबसे पहली अट्रैक्शन एक फोर्ट्रेस है विच इज़ नोन एज ए फमोसा. आप वहाँ पे जा सकते हो. ऊपर एक चर्च है विच इज़ सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ द हिल और ये बिल्कुल भी स्टीप नहीं है. इट हार्डली टेक्स 15-20 मिनट्स टू रीच एट द टॉप. तो वो वहाँ जाने के बाद आप यहाँ पे Malacca की सबसे पुरानी चर्च भी देख सकते हो. देर इज़ ऑल्सो क्लॉक टावर एंड क्वीन विक्टोरिया फाउंटेन. तो वो सब कुछ देखने के बाद
आप चले जाओ यहाँ की फूड स्ट्रीट को इंजॉय करने, विच इज़ नोन एज दी जोंकर स्ट्रीट. काफ़ी हैपनिंग फूड स्ट्रीट है, बट अगेन वेजिटेरियंस के लिए ऑप्शन थोड़े से लिमिटेड है. सो मेक श्योर जब भी आप मलक्का आओ तो आप अपने साथ थोड़ा सा स्नैक्स पैक कर लो इन केस इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन. एंड उसके अलावा यहाँ पे मलक्का सी भी है जिसपे बहुत सारी बोट राइड्स वगैरह होती है, तो आप वो भी कर सकते हो. एंड अराउंड 6-7 o'clock यू कैन हेड बैक टू द बस स्टेशन टू गो बैक टू कुआला लंपुर. सो फॉर डे 7, विच इज ऑल्सो गोइंग टू बी योर लास्ट डे इन मलेशिया, आप चले जाओ थियान हाओ चाइनीज टेम्पल. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल चाइनीज टेम्पल और यहाँ पहुँचने के लिए 15-20 minutes लगते हैं फ्रॉम द सिटी सेंटर. और यहाँ पे जब हम गए थे तब तो एक चाइनीज वेडिंग भी हो रही थी, तो हमने तो वो भी देखी थी. बाकी जो टेम्पल है वो बहुत सुंदर तरीके से डिज़ाइन हुआ हुआ है, तो 1-1.5 घंटा आप टेम्पल को इंजॉय करो. बिल्कुल बगल में देर इज अ पार्क ऑल्सो, वहाँ पे भी आप कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हो. एंड देन अगर आपकी कोई अट्रैक्शन मिस हो गई है या आपको और कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है तो वो सब करके एंड देन यू कैन हेड बैक टू द एयरपोर्ट. एंड दिस इज हाउ यू कैन स्पेंड परफेक्ट 7 days इन मलेशिया. तो आइटनरी के बाद लेट्स ऑल्सो डिस्कस कि एक रियलिस्टिक बजट क्या होना चाहिए आपका वहाँ जाने के लिए. तो जो सबसे मेजर एक्सपेंस होता है वो है फ्लाइट की टिकट्स का. हमने दिल्ली से कुआलालंपुर की फ़्लाइट ली थी और उसकी प्राइस हमको पड़ी 25,000 पर पर्सन फॉर द राउंड ट्रिप. बट इन केस अगर आप कोलकाता या चेन्नई से फ्लाई करते हो तो आपकी टिकट्स थोड़ी सी सस्ती हो सकती हैं. ऑल्सो मैंने ये देखा था कि जब आप इंडिगो की या एयर एशिया की टिकट्स बुक करते हो तो वो 18-19,000 रुपीज़ की भी आपको पर पर्सन मिलती है फॉर द राउंड ट्रिप, बट उसमें बैगेज इंक्लूड नहीं होता. तो इन केस इफ यू आर अ बैग पैकर या बहुत लिमिटेड लगेज के साथ ट्रैवल कर रहे हो तब तो वो फ्लाइट्स आपके लिए बेस्ट है. अदरवाइज मैंने बाटिक एयर विच इज़ द मलेशियन एयरलाइंस उसकी फ़्लाइट बुक करी थी जिसमें 20 kgs मेरा लगेज था. उसके अलावा इंटरसिटी ट्रैवल करने के लिए भी हमने एक बार फ़्लाइट ली थी कुआलालंपुर से लंकावी जाने के लिए, और वो जो फ़्लाइट की टिकट है वो हमको 5,000 rupees फॉर द राउंड ट्रिप पर पर्सन पड़ी. तो ओवरऑल इन 30,000 rupees आपका फ़्लाइट का एक्सपेंस हो सकता है पर पर्सन. तो फ्लाइट्स के बाद लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट वीज़ा. सो एज पर द न्यू गाइडलाइंस इंडियंस को मलेशिया जाने के लिए कोई वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है टिल 31st December 2024. हाउएवर यू आर स्टिल रिक्वायर्ड टू फिल एन MDAC फॉर्म विच इज़ मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड. बहुत ही ईजी सा फॉर्म है. इनफैक्ट अभी आपको नीचे वेबसाइट का लिंक भी दिख रहा होगा जिस पे जाके आप ये फॉर्म ईजिली भर सकते हो. और बेसिक डिटेल्स मांगते हैं जैसे कि आपका नेम, आपकी एज, आपका पासपोर्ट नंबर एंड ऑल ऑफ दैट. एंड ऑल्सो रिमेंबर कि ये जो फॉर्म है यू आर सपोज टू फिल दिस विद इन 72 hours, कि मतलब मलेशिया जाने के 72 hours के अंदर अंदर ही आपको ये फॉर्म भरना होता है. जो तीसरी कॉस्ट होती है वो है होटल्स की. हमने 7 days के इंटरवल में 2 hotels चेंज किए थे. पहला कुआलालंपुर जिसमें वी स्टेड एट द आइबिस होटल, हम वहाँ 4 दिन रुके थे और हमको उसकी कॉस्ट पड़ी 4,000 rupees पर नाइट विच ऑल्सो इंक्लूडेड द ब्रेकफस्ट. और दूसरा लंकावी में वी स्टेड एट द बे व्यू होटल जिसकी हमको 2 दिन की कॉस्ट पड़ी 7,500 rupees. तो ओवरऑल अकोमोडेशन मलेशिया में इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बट होटल्स इज़ नॉट दी ओनली ऑप्शन. वहाँ पे आपको बहुत ईजिली हॉस्टल वगैरह और Airbnbs भी मिल जाएंगे, और हॉस्टल की प्राइस 800-900 rupees में आप आराम से बुक कर सकते हो. ऑल्सो मलेशिया में आपको एक अलग से स्टेट टैक्स विच इज़ लाइक द गवर्नमेंट टैक्स को देना ही देना पड़ता है. और ये जो स्टेट टैक्स होता है इट वेरीज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. फॉर एन इंस्टेंस जब हम कुआलालंपुर में रुके थे तब हमने हमारे होटल में हर दिन के हिसाब से 13 ringgits पर पर्सन एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया था. एंड वहीं जब हम लंकावी में स्टे लिए थे तब हमने 10 ringgits पर पर्सन पर डे के हिसाब से स्पेंड किया था. और लंकावी में कम इसलिए था बिकॉज इट्स अ ड्यूटी फ्री आइलैंड.
जो नेक्स्ट एक्सपेंस है वो है वहाँ पे जाके जो भी आप एक्टिविटीज करते हो और मे बी दी एंट्री टिकट टू विजिट डिफरेंट टूरिस्ट अट्रैक्शंस। तो अभी आपको स्क्रीन पे जो भी अट्रैक्शंस हमने देखे या फिर जो भी एक्टिविटीज हमने करी उनकी इंडिविजुअल प्राइसेस दिख रही होगी, सो यू कैन टेक दीज एज योर रेफरेंस। तो अट्रैक्शंस के बाद जो दूसरा एक्सपेंस होता है वो है फूड एक्सपेंस। एंड बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग विद माई मदर, तो वो स्पेसिफिकली सिर्फ उन्हीं जगहों पे खाना खाती है जहाँ पे वेजिटेरियन फूड सर्व होता है। तो मैं इंडिया से तो बहुत सारे स्नैक्स लेके गई थी, ऑल्सो हमने जितने भी होटल्स में स्टे लिया था वहाँ पे ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। बट क्वालालंपुर में इन जनरल हमको खाने की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पे यू विल बी एबल टू फाइंड अ लॉट ऑफ इंडियन रेस्टोरेंट्स जो सिर्फ वेजिटेरियन खाना सर्व करते हैं। इनफैक्ट वी डिड ईट जैन फूड ऑल्सो। सो ऑन एन एवरेज हमने 2000 से लेके 2500 के बीच में आराम से क्वालालंपुर में इंडियन फूड खाया था। बट इफ़ यू आर अ नॉन वेज ईटर तब तो कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली है, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रीट फूड्स भी हैं जो कंपेरेटिवली थोड़े सस्ते होते हैं। हाउएवर अगर आप मलक्का और लंकावी जाते हो तो वहाँ पे इंडियन फूड्स और फॉर दैट मैटर वेजिटेरियन फूड ऑप्शंस भी थोड़े से लिमिटेड हो गए थे, तो वहाँ पे हमारे जो स्नैक्स थे वो काफ़ी काम आ गए। उसके अलावा जो मेरा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा था, जो भी मैंने वहाँ पे कैब्स वगैरह या बसेस वगैरह की, वो सब कुछ मिला के आपको ओवरऑल बजट अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ये हमारा टोटल बजट था फॉर 2 पीपल फॉर 7 डेज इन मलेशिया। एक दो चीज़ें जो मैं आपको और बताना चाहती हूँ, सबसे पहला तो कि जब भी आप मलेशिया जाओ मेक श्योर कि आप अपने साथ न्यू डॉलर्स ही लेके जाओ, क्योंकि कुछ कुछ जगहों पे तो वो ओल्ड डॉलर्स बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते करेंसी स्टोर्स पे, और इन केस अगर करते भी हैं तो उनकी जो कन्वर्जन रेट है वो काफ़ी ख़राब थी एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ न्यू डॉलर्स। दूसरा बिल्कुल KLCC पार्क का, क्वालालंपुर में KLCC पार्क के पास देर इज़ अ प्लेस जहाँ से पेट्रोनास ट्विन टावर्स का बहुत अच्छा व्यू आता है, एंड वहाँ पे यू विल फाइंड मैनी फोटोग्राफर्स जो आपको अप्रोच करेंगे कि आप उनसे अपनी पिक्चर्स क्लिक करवाओ, और हर पिक्चर का दे विल चार्ज यू बिटवीन 15-20 रिंगिट्स। बट अगर आप उनको मना करते हो तो वो आपको उस स्पॉट पे खड़े रह के खुद से फोटोज भी नहीं लेने देंगे। तो ऐसे एक दो इंसिडेंसेस मेरे साथ हुए। उसके अलावा वी हैड एन अमेजिंग टाइम ओवर देयर, एंड आई होप यू फाउंड दिस वीडियो वेरी यूजफुल। और इसके अलावा अगर मुझसे कुछ पॉइंट्स मिस हो गए या आप और भी कुछ जानना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो, या फिर आपको यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल दिख रहा होगा, वहाँ पे भी यू कैन DM मी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई शैल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन।